वैसे हिमाचल में प्रवेश करना जन्नत में प्रवेश करने जैसा ही तो है। हरियाली और मनमोहक नज़ारों से घिरा धर्मशाला और मैक्लोडगंज एक बहुत ही सुंदर और मनमोहक स्थान है। मैक्लोडगंज वो जगह है जहाँ पर 1959 में बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा तिब्बत से आकर बसे थे। तो चलिए हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं और आप भी हमारे साथ यात्रा करिए और प्रकृति की खूबसूरत वादियों में खो जाइए। सत्ताईस जून 2022 को हमने यहाँ जाने की योजना बनाई और सब कुछ तय समय से हो गया। 27 जून 2022 को दोपहर 1 बजे कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन थी। हमें पहले कानपुर से दिल्ली और फिर दिल्ली से पठानकोट पहुंचना था और इंतज़ार करते करते हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर आई और हम लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। यूं ही चलते चलते हम दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गए। हालांकि यह सफ़र 6 से 7 घंटे का था और चूँकि हमें दिल्ली के दूसरे रेलवे स्टेशन से पठानकोट के लिए ट्रेन पकड़नी थी, इसलिए हम लोग तुरंत दिल्ली रोहिल्ला स्टेशन पहुँचे। उसके बाद धौलाधर एक्सप्रेस द्वारा हम लोग पठानकोट के लिए रवाना हो गए और रास्ते में सोते जागते चलते गए। उसके बाद सुबह के 7:30 बजे हम पठानकोट स्टेशन पहुँच गए। नाश्ता करने के बाद हम नज़दीकी बस अड्डे पर पहुँचने लगे। वहाँ से 9:50 पर धर्मशाला के लिए बस थी। उसका टिकट लेकर हम लोग अब धर्मशाला जा रहे थे और उत्साह की तो क्या ही बात करूं मैं। अब पहाड़ों के बीच सफ़र शुरू हुआ। जैसे जैसे बस आगे बढ़ रही थी हमारा उत्साह बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो बारिश की फुहार पड़ने से हर हिस्सा खिल उठा। हरी भरी पहाड़ियों के बीच बने पतले ऊंचे नीचे व घुमावदार रास्ते सफ़र के आकर्षित करने वाले और रोमांच से भरने वाले नज़ारों से घिरे थे। बीच बीच में कहीं बहती नदियाँ, कहीं गिरते झरने एक अलग ही एहसास देने वाले थे। हम धर्मशाला पहुँच रहे थे। पर्वत सघन जंगल मानो अपना अनुपम सौंदर्य दिखा रहे हों और वहीं दूसरी ओर जैसे प्रकृति हमको खुद ही अपने पास बुला रही हो। और बस यूं ही चलते चलते आखिर अब हम धर्मशाला पहुँच चुके थे। पहाड़ों की गोद में समाया धर्मशाला अंतर्राज्यीय बस अड्डा यात्रियों को मंत्रमुग्ध कर रहा था। हमने मैक्लोडगंज जाने के लिए स्काईवे को चुना और पहली बार स्काईवे का आनंद मेरे लिए एक अलग ही अनुभव था। खैर अब हम मैक्लोडगंज भी पहुंच चुके थे। अब हम अपने निर्धारित होटल पहुंचे। वहां पर 4-5 घंटे आराम करने के बाद हमने सोचा कि चलो निकलते हैं, मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। और मार्केट जहाँ पर बहुत सारे विदेशी लोग भी मिले और बहुत सारी नई नई चीज़ें भी देखने को मिली। तो शाम का वक्त और वैसे तो हम सफ़र करके थक चुके थे और समय भी हो चुका था, इस वजह से किसी अन्य जगह नहीं जा पाए। तो बस यूं ही सोचा कि चलो मार्केट को एक्सप्लोर कर लेते हैं। और वहीं पर हमने गोरखा रेजिमेंट द्वारा बनाए गए भागसुनाग मंदिर, स्विमिंग पूल और अन्य चीज़ों को भी देखा। उसके बाद शाम का वक्त हो गया, लगभग 7-8 बजे। साधारण सी बात है, अब कुछ खाने के लिए भी तो होना चाहिए। तो अब हम डिनर के लिए पहुंच गए हैंगिंग हट कैफ़े। यहाँ पर खाने और उसके साथ बाहर के नज़ारों की एक अद्भुत कहानी है। और एक बार डिनर करने के बाद ये हैंगिंग हट कैफ़े बिल्कुल मन में ही बस गया था, क्योंकि यहाँ से नज़ारे और उनके साथ चाय या खाने का जो मज़ा था उसको मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। तो अब हम हर दिन सुबह शाम ब्रेकफास्ट और डिनर यहीं करते थे। फिलहाल डिनर के बाद फिर से हम अपने होटल में आ गए और वहीं दृश्य सोचते सोचते अपने कमरे में सो गए। फिर रात में अब तो सपने भी वही आ रहे थे, पहाड़ों वाले। लेकिन रात खत्म हुई और सुबह हुई। आसपास बादल पहाड़ों को ढके हुए थे और उनमें सुकून कुछ यूं था, कुछ अजीब सा, कुछ करीब सा, ये पहाड़ है मेरे नसीब का,
जहाँ कोई कश्मकश नहीं, कोई हलचल नहीं, सिर्फ ठहराव और सुकून। ऐसा कि मानो थम सा गया हो सब, ये पानी ये हवा सब, बस बाहें खोल और कर महसूस। ये जिंदगी तेरी ओर खुद ब खुद सर झुकाए बस यही गुजारिश कर रही है कि आ और भर ले मुझे अपनी बाहों में और घुल जा मुझ में ऐसे जैसे किसी शरबत में मिठास। हो जा फना मुझ में ऐसे जैसे कुछ और है ही नहीं, जो है सब यही है और कहीं है ही नहीं। तो हिमाचल की वादियों में अब हम चल पड़े थे भागसूनाक झरने की ओर। वैसे पहाड़ों पर चलना मेरे लिए एक अलग अनुभव था जिसको मैं बयां नहीं कर सकता। पहाड़ों पर चढ़ते चढ़ते आप कितना भी क्यों ना थक जाएं, मगर मनमोहक नज़ारों के आगे थकान का पता भी नहीं चलता। आखिर चढ़ते चढ़ते हम झरने के पास पहुंच ही गए जहां पर लोग झरने की फुहारों को रूह पर महसूस कर पा रहे थे। कुछ समय यहां बिताने और कैमरे में नज़ारों और खुद को कैद करने के बाद हम और ऊपर चढ़ने लगे। ऊबड़ खाबड़ तंग रास्तों से होते हुए हम 4 किलोमीटर और ऊपर पहुंच चुके थे। अब यहाँ हमने अपने 3-4 घंटे बिताए और मैं बता दूं कि यहाँ पर हमारे अलावा वहाँ कोई नहीं था। प्रकृति की गोद में बैठकर खूब सारी मस्ती की और शांत वातावरण में खुद को महसूस किया। और अब नीचे उतरते हुए वहीं बीच रास्ते में ही हम रुके एक नो नेम कैफे में। यहाँ मैगी चाय और मोमोज का आनंद लेने और अन्य लोगों से ढेर सारी बातें करने के बाद हम नीचे उतरने लगे। दिन ढलने लगा था और हमारी स्मार्ट वॉच हजारों कदमों की गिनती कर चुकी थी। अब हम वापस अपने ठिकाने पर आ गए थे। कुछ देर आराम करने के बाद फिर चल पड़े 2 किलोमीटर दूर मैकलॉडगंज की मार्केट को एक्सप्लोर करने। ढेर सारे नए नए विदेशी लोग मिले, दुकानों और मॉल्स में ढेर सारी चीज़ें खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी। अब फिर से पहुंच गए अपने ठिकाने पर और दिन भर की ढेर सारी खूबसूरत यादों को समेटे हुए हम सो गए। नए दिन की एक फिर से नई सुबह हुई, वही खूबसूरत नज़ारे सुकून की राह दिखा रहे थे। फिलहाल आज हम लोगों ने धर्मशाला घूमने की योजना बनाई। आज सबसे पहले हम सेंट जॉन चर्च पहुंचे। ये चर्च दिलकश नज़ारों को समेटे हुए जो कि दर्शकों को खूब भाता है। कुछ समय यहाँ व्यतीत करने के बाद अब हम निकल पड़े थे नड्डी द सनसेट व्यू पॉइंट की ओर। रास्ते में चल रहे हवा के झोंके तन बदन को बेहद सुकून दे रहे थे। व्यू पॉइंट पर हम पहुंचे मगर अफसोस कि बादलों की वजह से सनसेट देखना मुश्किल था। हालांकि कुछ वक्त वहां बिताने के बाद जैसे ही हम धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम की ओर चले बहुत तेज बारिश होने लगी। जैसे बारिश के कारण मैच रद्द हो जाता है ना, वैसे ही हमारी स्टेडियम जाने की योजना भी रद्द हो गई। फिलहाल अब हम पहुंचे धर्मशाला अंतर्राज्यीय बस स्टॉप, क्योंकि अब वापस अपने घर को लौटने का समय आ गया था। वैसे पर्वतों चट्टानों झरनों और इन खूबसूरत वादियों से बिछड़ना बहुत मुश्किल सा लग रहा था। अब किया ही क्या जा सकता था, ढेर सारी यादों को संजोए हुए दिलकश नज़ारों और खूबसूरत एहसासों को दिल में थाम कर हम अपने घर को लौट चले। और अब तो बस यादें ही शेष हैं।